sixth. I read in the Deo Public School. I am 9 years old. My hobby is modeling and singing, but my passion is modeling. I love modeling. My father is a soldier and my mother is a staff nurse. मेरे स्कूल में के एस डी की टीम आई थी तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा. मैंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करा क्योंकि मुझे मॉडलिंग अच्छी लगती थी. और अब मैं 3 राउंड्स क्लियर करके 4 राउंड क्लियर करके अब मैं फाइनल में पहुंची हूँ. छोटे से गांव में रहते हैं जिनका नाम सैनिक इनक्लेव पार्ट 3 है, झाड़ोदा कला है. इस यहाँ पर मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मतलब मेरे सारे ही रिलेशन के जितने भी हैं हम सारे परिवार एक साथ रहता है. और हमारी छोटी सी बेटी है जो बहुत नटखट है और उसका काम सारा दिन हमें परेशान करना होता है. उसको शौक है कि मॉडलिंग का, छोटे से उसको बहुत मॉडलिंग का शौक था. मुझे बहुत वो था क्रेज कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी. मेरी बेटी एंजल जो है 9 ईयर ओल्ड है, पर वो जिस उम्र की है उस उम्र से वो काम नहीं करती है. हम दोनों वर्किंग के हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ. हमारी बेटी अकेले रह के हमको बहुत सपोर्ट करती है. कभी भी कोई ऐसी वो हरकत नहीं है जिस हरकत से अपने माँ बाप का बहुत दुख चढ़ता है. हाँ, शरारतें बहुत है. कभी छोटे छोटे कुत्तों को ले आएगी, कभी उनके संग सारा दिन रहेगी. मुझे तो इतना तंग करती है, आज ये डॉगी पालना है, आज ये डॉगी पालना है. पढ़ाई की तरफ से भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी है. पढ़ने में बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड है. स्कूल में हम जब भी जाते हैं पढ़ाई में तो उसका अच्छा है. और साथ में वो ब्लैक बेल्टर है जिसकी मुझे बहुत खुशी है. लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके लिए वो ब्लैक बेल्टर है. उसमें है वो दिल्ली नेशनल से भी खेल चुकी है और अब उसने एक पैशन बना रखा है कि मुझे मॉडलिंग में भी मामा उतने ही आगे जाना है जितना मैं कराटे में हूँ. ब्लैक बेल्टर बनी है तो ये कराटे में भी जाना चाहती है. पर बिकॉज इसके अंदर एक है कि ये शरारते मगर मेरा साथ पूरा देती है, पूरे घर का काम मेरे साथ करती है. छोटे छोटे कामों को भी हाथ लगाएगी, सब कुछ करेगी. बट KKHT की टीम आई है, मेरी बेटी ने बताया एंजल ने कि मेरे स्कूल देव पब्लिक स्कूल में आई है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ. तो मैंने बहुत खुश होकर बोला बिल्कुल आप ज़रूर करो, क्योंकि उसको बचपन से ही शौक था. मैं चाहती थी किसी भी तरह से उसका ये शौक पूरा हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी. फिर मैंने अपनी बेटी को पार्टिसिपेट कराया जिसमें उसने 4 राउंड करके फाइनल में ग्रैंड फाइनल में पहुँच चुकी है. और मुझे, मेरे परिवार को बहुत खुशी है कि हो सकता है ये हमारी नाम रोशन करेगी. और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे चल के मेरे घर का, मेरे परिवार का और मेरे शहर का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करे. एक इसको अपना भी मुकाम मिले. लड़कियों को मुकाम मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो कुछ अच्छा काम करती है तो उससे उसकी पहचान होती है, माँ बाप की होती है, घर की होती है, खानदान की.
नमस्कार, मेरा नाम हेमराज है। मैं CRPF में जॉब करता हूँ, कांस्टेबल के रैंक में। वो भी मेरी बच्ची एंजल भारद्वाज है, जो आज की डेट में बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरा, इसको पालने में और इसको अच्छा कुछ कर देने में बहुत ही अच्छा है। ये इसके एक अकेडमी में भी जाती है, कराटे में भी जाती है, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा है सब कुछ सिस्टम। और यहाँ KKHD में मैंने एक ऑडियंस देखा रहा, उसने इसको रुचि देखी, इससे इंटरेस्ट था उसमें कि मैं एक मॉडल बनूँगी, मॉडलिंग करूँगी। तो मैंने उसके लिए भी इसको प्रोत्साहन दिया कि नहीं बेटा आप करो, जो भी है मेरी तरफ से जो भी होता है मैं कब तैयार हूँ। इसने वहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद ये अकेडमी कराटे में भी जाती है, कराटे में भी इसका बहुत ही अच्छा अभी तक जो है सिस्टम है, बहुत ही अच्छे मेडल ले रखे आ रही है, कोई जगह स्टेट में खेल के भी आई है लड़की। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तो दुआ यही है कि ये आगे बढ़े और आगे तरक्की करे। तो हम यही चाहते हैं कि अभी 4 राउंड तो पार कर चुकी है और 5वां फाइनल राउंड जो है उसको पार करे तो मेरी जो आशा है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको कुछ अच्छा मुकाम मिल सके। कुमारी प्रिंसिपल ऑफ देव पब्लिक स्कूल, वाइफ ऑफ मास्टर मनजीत सिंह, चेयरमैन ऑफ देव पब्लिक स्कूल। हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एंजल, जो हमारी बच्ची किसमें कितना दम शो में 4th राउंड में पहुंची है। वो बहुत पढ़ाई में एवरेज है लेकिन मॉडलिंग में अच्छी है, और किसमें कितना दम चैनल वालों ने उसको बहुत मोटिवेट किया है और वो इस स्टेज पर पहुँची है। कराटे में बहुत अच्छी है वो, कराटे के साथ साथ मॉडलिंग में उनका इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ जो प्रेयर होती है उसमें हम बच्चे के टैलेंट को चूज करते हैं कि कौन सा बच्चा किस में आगे जा सकता है। जो स्कूल है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बच्चे के टैलेंट को पहचान सकते हैं। तो हमने देखा कि एंजल मॉडलिंग में अच्छी है, उसके लिए फिर किस में कितना दम चैनल वाले जो हमारे स्कूल में आए, विजिट किया उन्होंने और उस बच्चे को मोटिवेट किया, और भी बहुत बच्चे हमारे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, बहुत बच्चों ने फिनाले में पहुंचे वो 4th राउंड में, और हम आशा करते हैं कि वो फिनाले जीत के आए और हमारे स्कूल का किस में कितना दम चैनल का नाम रोशन करें।
एंजल की क्लास इंचार्ज हूँ, और अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो काफ़ी ब्रिलियंट गर्ल है। अगर हम उसकी मॉडलिंग की बात करें तो मैंने खुद उसकी मॉडलिंग यहाँ पे देखी है। जब यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, स्कूल में हेल्ड हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने मतलब हमें बुलाया गया था जैसे क्लास इंचार्जेस को दिखाने के लिए कि आपके क्लास के बच्चे मतलब क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी है, किस तरीके से बच्चा किसी चीज़ को शो करता है, मतलब उसके अंदर जो छुपी कहते हैं ना प्रतिभा, कितना टैलेंट है बच्चे के अंदर, वो चीज़ उसी टाइम मैंने तो पहचान ली थी। बाकी क्लास में भी अगर हम देखें तो हर एक टीचर का मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो छुपी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको निकालना। जब भी मैंने उसके अंदर देखा तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करती थी कि मतलब एंजल अपनी जैसे कराटे में वो काफ़ी मेडल्स लाती थी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उसने काफ़ी कुछ किया है। तो अगर मॉडलिंग जब मैंने उसकी फर्स्ट टाइम देखी थी तो मैं उसी टाइम मैं समझ गई थी कि मतलब ये लड़की कुछ ना कुछ करके ही मानेगी। उस टाइम उसके पेरेंट्स को भी मतलब जैसे हम पीटीएम में मिलते हैं, तो मैंने उस टाइम भी उसके बारे में बताया था उसके पेरेंट्स को कि आप रोके ना इसे, अगर उसने पार्टिसिपेट किया है किसमें कितना है दम में, तो उसको और मोटिवेट करें। उसको ये नहीं कि थोड़ा सा कि बच्चे को रोके कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये नहीं कि आजकल क्योंकि क्या है स्कॉलास्टिक और साथ में नो स्कॉलास्टिक दोनों एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए बच्चे के, ताकि बच्चे को ये भी फील ना हो कि उसकी जो अंदर छुपी प्रतिभा है वो भी रुक रही है। तो अगर हम उसकी मॉडलिंग की बात करें तो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो ग्रैंड फिनाले में अगर पहुंची है तो वो जीत के आए, स्कूल का नाम रोशन हो। माय सेल्फ खुशी, एंजल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। एंजल बहुत अच्छा पढ़ती है, वो हमारे साथ स्टडी में भी बहुत हेल्प करती है, और उसने KKHD में मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो ग्रैंड फिनाले भी जीत के आए। माई सेल्फ रिमी, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ ऑल्सो सपोर्ट मी इन स्टडीज, शी इज़ वेरी बेस्ट, शी इज़ वेरी गुड इन मॉडलिंग। माई सेल्फ नम्रता पाठक, एंजल भाई बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत क्लास में ब्रिलियंट है, इसमें किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है ग्रैंड फिनाले में। माई सेल्फ जिया, मैं एंजल की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसने KKSG में पार्टिसिपेट किया, ये अब ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है, हम चाहते कि ये जीत के और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। माय सेल्फ जिया, मैं इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, इसने जब कराटे में इसने पहली बार लिया था जब मैंने इसको पहली बार सिखाया था, और इसने अभी KKSG में इसने पार्टिसिपेट किया, ग्रैंड फिनाले में किया, इसलिए मैं भी बहुत खुशी है कि मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ अब, और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि मैं फाइनल में भी सक्सेस हो जाऊँ और अपने मम्मा पापा का स्कूल का नाम रोशन करूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।